आप जानते हैं कि फुल क्रीम मिल्क में सिर्फ 4-6% ही फैट होता है। इसका मतलब 1 लीटर प्योर घी के लिए कम से कम 20-25 लीटर दूध लगता है। इसके आधार पर आप खुद पता लगा सकते हैं कि बाजार से आप जो घी खरीद रहे हैं वो कितना प्योर है। किमूज किचन घी बनाने के लिए न तो इम्पोर्टेड बटर ऑयल का इस्तेमाल करता है, ना ही क्रीम ब्लेंड्स का। किमूज किचन का वादा है कि कभी भी अपना घी बनाने के लिए आसान और सस्ती मेथड्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपको हम बिलोना मेथड का 100% प्योर और A2 घी ही देंगे, वो भी किफायती दामों में। ऑर्डर करने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। यूपी के मुख्यमंत्री योगी के गोरखपुर की बदहाली। कोविड अस्पताल में भाई ने तोड़ा भाई के कंधे पर। मरफिक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। एक तरफ आंकड़ों की लुका छुपी, कोरोना की महामारी के दौरान होने वाली मौतों में घालमेल, ऐसी कई चीजें और फिर बड़े बड़े दावे। ये काम उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार द्वारा किया जा रहा है। हालांकि कई भाजपा विधायक सांसद इस बारे में खुलकर शिकायतें भी कर चुके हैं, मगर उसके बावजूद योगी जो है रट्टा मार करके झूठ बोल रहे हैं। कहीं पर भी ऑक्सीजन की कमी नहीं है, बेड की कमी नहीं है। तो ऐसा ही मामला हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो गढ़ है गोरखपुर, उनकी अपनी संसदीय सीट का ये क्षेत्र है, वहाँ का आपको बता रहे हैं। यहाँ BRD मेडिकल कॉलेज में सोमवार को एक भाई अपने भाई को कांधे पर लेकर पहुँचा। अस्पताल पहुँचने के बाद उसे स्ट्रेचर तक नहीं मिला जो उसे अंदर ले जा सके। 300 बेड वाला ये कोविड अस्पताल यहाँ बनाया गया है BRD मेडिकल कॉलेज में, मगर इस भाई को अपने कंधे पर उठाकर दौड़ने वाला भाई जो है संघर्ष में कम पड़ गया और सांस टूटने के कारण आखिरकार उसके भाई ने अपने भाई के कंधे पर ही दम तोड़ दिया। गोरखपुर के भटहट इलाके का ये निवासी है रामबदन। तीन से चार दिन पहले ही, मतलब ये सोमवार 10 मई की घटना हम आपको बता रहे हैं, उससे 3-4 दिन पहले ही ये हैदराबाद से वापस लौटा था। लौटने के बाद उसकी तबीयत फौरन ख़राब हो गई। रविवार को हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ी, सोमवार को बहुत ज़्यादा उसकी सांस फूल रही थी, सांस लेने में दिक्कत आ रही थी, तो भाई उसको इस तरीके से ले गया। सबसे दुख की बात यह कि इसी BRD मेडिकल कॉलेज में एक तरफ ये भाई अपने भाई के कंधे पर आखिरी सांसें गिन रहा था और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों से बैठक कर रहे थे, मगर इस मरीज को किसी तरह की वहां कोई सुविधा नहीं मिली, स्ट्रेचर तक मुहैया न हुआ और भाई के कंधे पर उसने अपना दम तोड़ दिया। Mm-hmm.